नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोविड 19 संकट के कारण स्कूल और शिक्षा संस्थाओं के लंबे समय तक बंद रहने का असर पढ़ाई पर भी देखने को मिला है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को और यूनिसेफ के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा तैयार एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संकट के चलते स्कूल बंद होने से छात्रों की वर्तमान पीढ़ी को आज के हिसाब से 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई का नुकसान होने का खतरा है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% हिस्सा है। दिल्ली में पहले कोरोना और फिर वायु प्रदूषण के कारण बंद हुए स्कूल अभी बंद ही रहने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर हुई रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्कूलों को खोलने का फैसला विंटर वेकेशन यानी सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही लिया जाएगा। 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए मुहूर्त तैयार करने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया है कि 13 दिसंबर को रेवती नक्षत्र में दिन में 1:37 पर और 1:57 तक 20 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके वायरस के हल्के लक्षण जो है वो पाए गए हैं। उनका इलाज चल रहा है, एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बयान के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। रविवार को केप टाउन में पूर्व उपराष्ट्रपति FW D Clark के सम्मान में राज्य स्मारक सेवा छोड़ने के बाद अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। रूस की ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट ऊर्जा संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये भारतीय भागीदारों के साथ मिलकर पेट्रोलियम उत्पाद के उत्पादन से लेकर शोधन बिक्री तक पूरी तकनीकी सीरीज के साथ सहयोग कर रहा है। रूस भारत के बीच ऊर्जा संवाद का विकास विस्तार दोनों देश के राजनीतिक व्यवसायिक वर्ग के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। रूस भारत का सबसे पुराना साझेदार है। दोनों देश के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और भाजपा विधायक हरबंस कपूर के निधन पर सोमवार को शोक जताया है। कपूर का निधन सोमवार को तड़के देहरादून स्थित उनके निवास पर हुआ। वो 75 वर्ष के थे। 8 बार के विधायक कपूर उत्तराखंड विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में थे। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड से हमारे वरिष्ठ पार्टी सहयोगी श्री हरबंस कपूर जी के निधन से दुखी हूं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपका खाता कर्मचारी भविष्य निधि के तहत खोला गया है तो आपके लिए ये खबर खास हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी PF खाताधारकों के लिए अपने खाते में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुन्नवर फारूकी को भोपाल में आकर शो करने का सार्वजनिक न्योता दिया है। पिछले दिनों लगातार शो कैंसिल करने के चलते दोनों कॉमेडियन चर्चा का विषय बने हुए थे। शनिवार को हुई CBSE बोर्ड की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी के पेपर में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का अंतिम पैराग्राफ में लिखा था, जिसमें महिलाओं के लिए पीछे जाने और आक्रामक होने की आलोचना की गई है। CBSE बोर्ड के अनुसार यह पैसेज उसके अंग्रेजी प्रश्न पत्रों के एक सेट में था। इसको लेकर हंगामा बच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पेपर को ट्वीट करके पूछा कि हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत के विभाजन को लेकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती बताते हुए दावा किया है कि इसका नुकसान सिर्फ कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ा है। भारत के विभाजन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक की सोमवार को प्री ओपनिंग में बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। सुबह 9:30 S&P BSE सेंसेक्स ने 0.6% की तेजी के साथ 59,151 अंक पर कारोबार किया। ये 58,786 अंक के पिछले बंद से 58,696 अंक पर खुला। दिल्ली सरकार ने घर घर योग पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय से सोमवार को दिल्ली की योगशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग से आत्मा मन में और शरीर स्वस्थ रहता है। योग के शिक्षक हम देंगे। अगर आप 25 लोग इकट्ठा होते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 9013585858 पर मिस्ड कॉल कर दीजिए। आप जहां भी योग करना चाहें वहां कर सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने BSP के साथ हाथ मिलाया है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से डिप्टी CM के उम्मीदवार को लेकर अहम ऐलान किया गया है। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा है कि राज्य में अगर अकाली BSP गठबंधन यदि सत्ता में आता है तो प्रदेश के 2 मुख्यमंत्रियों से एक मायावती की अगुवाई वाली पार्टी से होगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने भारतीय टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को लेकर बयान दिया है। दरअसल लंबे समय से फॉर्म से बाहर चल रहे अजिंक्य रहाणे के साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी को लेकर गौतम गंभीर ने कहा कि अजिंक्य रहाणे के लिए साउथ अफ्रीका दौरे पर प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर को राज्य से अलग अलग जगहों से 5 जन विश्वास यात्राएं शुरू करेगी। साथ ही छठी यात्रा 20 दिसंबर से शुरू होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, ब्रज के मथुरा, बुंदेलखंड के झांसी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर, बलिया से हरी झंडी दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को संगम नगरी प्रयागराज के लोग अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। प्रयागराज में विपिन रावत की न सिर्फ एक मूर्ति लगाई जाएगी बल्कि एक सड़क का भी नामकरण उनके नाम पर होगा। मूर्ति लगाने और सड़क का नामकरण करने का फैसला आज प्रयागराज के नगर निगम सदन में पार्षदों की आम सहमति से लिया गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने राज्य के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि पश्चिमी केंट की आसपास के राज्य में खोज बचाव दल इस क्षेत्र में बवंडर की एक श्रृंखला के बाद बचे लोगों की तलाशी कर रहा है, जिसमें कम से कम दर्जन लोग की जान जाने की खबर थी। तूफान भविष्यवाणी केंद्र के संचालन प्रमुख बिल बंटिंग ने कहा है कि अर्कनसास और इलिनॉइस, केंट की, मिसिसिपी, मिसौरी, टेनेसी सहित राज्य में बवंडर से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 देशों में दस्तक दे चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह भारत में भी अब तेजी से पांव पसारने लगा है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसकी चपेट में आ चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या अब 38 पर पहुंच गई है। इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जहां कुल 18 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, दिल्ली में 2 और चंडीगढ़ में 1 मामले हैं। जयपुर में महंगाई के विरोध में रैली होने के एक दिन बाद आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को लोकसभा में महंगाई का मुद्दा उठाने के लिए स्थगन नोटिस दिया। तिवारी ने अपने नोटिस में लिखा है कि देश में मुद्रास्फीति की ऊंची दर ने कमजोर वर्ग को प्रभावित किया है। तेल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। अर्धन लगभग हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार पिछले कई महीने से गिरा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोविड के 7350 यानी 7350 नए मामले आए हैं। इस तरह से देश में कोविड संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,46,97,860 पर पहुंच गया है। इसके अलावा एक्टिव केस की संख्या घटकर 91,456 पर पहुंच गई है, जो पिछले 561 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अपडेट के अनुसार 202 और मरीजों की जान गई है, जिसके बाद जान गंवाने की संख्या 4,75,636 पर पहुंच गई है। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल एक बार फिर फेसबुक पर एक स्पैम मैसेज तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ये मैसेज इट्स यू इन द वीडियो नाम से आ रहा है। इसमें एक लिंक भी है जिस पर क्लिक करना नुकसानदायक हो सकता है। इस तरह के मैसेज लगातार लोगों को मिल रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है यह खेल और इसमें कैसे बचा जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी को लेकर दुनिया भर में लोगों में दीवानगी बढ़ रही है। ब्राजील और अमेरिका इस मामले में सबसे आगे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी की रिपोर्ट कहती है कि प्लास्टिक सर्जरी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ISAPS की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में साल भर में 11.36 मिलियन मामले प्लास्टिक सर्जरी के हुए हैं। CBSE की 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने का आरोप है। बोर्ड ने रविवार को इस मामले को विषय के विशेषज्ञों के पास भेज दिया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है, लिहाजा सभी राज्य और केंद्र शासित अपने अपने स्तर पर तीसरी लहर के आगमन की संभावनाओं से निपटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देश में कोविड संक्रमण से अब तक 4,75,636 लोगों की जान जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश केरल रहा। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के साथ रक्षा सौदे के तहत $68 करोड़ की डील तय कर ली है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हुए हैं। इस डील पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए हैं। मून जे इन कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले विदेशी नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रूप में विश्व फलक पर अवतारित हो रहे काशी विश्वनाथ धाम परिसर का लोकार्पण करने के लिए वाराणसी पहुंचकर कहा कि वो यहां पहुंचकर अभिभूत हैं। काल भैरव मंदिर से दर्शन करने के बाद क्रूज से वो धाम तक पहुंचे। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष और यूपी के रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने लोकसभा में सीबीएसई के सिलेबस का मुद्दा उठाया। लोकसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि सीबीएसई के सिलेबस में महिलाओं को लेकर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट है उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगे।
वेस्टर्न रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस के एक प्रमुख रूट पर फेरे बढ़ाने का फैसला किया है और IRCTC ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। अब मुंबई अहमदाबाद रूट पर हफ्ते में 5 दिनों के लिए तेजस एक्सप्रेस का संचालन होगा और ये दोनों तरफ से गंतव्य स्थान के लिए लागू होता है। तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों का रखरखाव और संचालन IRCTC के जरिए किया जाता है और ये ट्रेन रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में मानी जाती है। इस ट्रेन को लेकर बीते समय में लोगों का रुझान सकारात्मक हुआ है और ज्यादा बुकिंग हो रही है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 38 केस सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब मरीज ठीक भी होने लगे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन से करीब 17 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दुनिया में अब तक ओमिक्रॉन से किसी भी मरीज की जान जाने की खबर नहीं आई है, यानी ओमिक्रॉन पहले के वेरियंट की तरह जानलेवा नहीं है। इसे कोरोना महामारी के अंत के रूप में देखा जा रहा है। इस यूनिवर्स 2021 का ताज भारत की हरनाज कौर संधु के सिर पर सज चुका है। 21 साल पहले 2000 में लारा दत्ता को यह क्राउन पहनाया गया था। अब 21 साल की हरनाज इंडिया में ये ताज वापस लेकर आई हैं। 70वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट के स्टेज पर जब इंडिया को विजेता घोषित किया गया तो हरनाज फूट फूट कर रो पड़ी। पूरे भारत के लिए यह इमोशनल पल था। उर्वशी रौतेला वहां जजेस में से एक थी। इस मोमेंट पर वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उर्वशी ने अपना वीडियो पोस्ट किया, साथ में लिखा है कि जजेस के तौर पर हमने बेस्ट डिसीजन लिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है डेविड कुमार, ऑफिशियल स्काउट, राम बाबू कुमार, प्रवीण कुमार, रोहितेश्वर, नुनू कुमार, कृष्ण दुबे, मोहम्मद महमूद, ऋतुराज, पप्पू गुप्ता, ऑसम इंडियन, संतोष यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के विभाजन का फैसला आपके अनुसार सही था या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।